शेख सना, मैं अनंतनाग से हूँ। मैंने मेडल्स जीते हैं वुशू में, कराटे में और थंथा में और स्काई मार्शल आर्ट में। मैं पहले रॉबर्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, अब मैं रानीबाग में पढ़ाई कर रही हूँ 10th में। शौक़ तो बचपन से ही था, फिर पापा का भी सपोर्ट रहा तो फिर ज़्यादा ही शौक़ बढ़ा, फिर मैंने कराटे ज्वाइन करा साल से। मेडल्स है जम्मू से, श्रीनगर से और अनंतनाग से। बहुत अच्छी गर्व की बात है कि मैंने गोल्ड मेडल पहले हासिल करा, तो जो मेरा पापा है उसने बहुत सपोर्ट करा बचपन से। उसके भी फील प्राउड था कि मेरी बेटी कुछ आगे कर सकती है। अगर मैं उन कमेंट्स पे ध्यान दूंगी तो फिर मैं कुछ हासिल कर पाऊंगी, अगर इग्नोर करूंगी तो तभी मैं आगे बढ़ूंगी। हेटर्स को तो बोलना ही है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, तो तभी मैं इस मुकाम पर पहुंची। यही बोलूँगी जिसमें जो टैलेंट है वो अपनी टैलेंट को हाइड मत रखिए, जो भी है आइए सामने, क्योंकि अगर आप यहाँ आ सकते हो फिर आप बाहर भी जाओगे खेलने। यही बोलती हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, जब मैं खेल सकती हूँ दूसरे गर्ल्स क्यों नहीं खेल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई सपोर्ट नहीं करा है। अगर मतलब मेरी सिलेक्शन हो गई थी नेशनल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हेल्प करता इंशाल्लाह मेरा इंटरनेशनल खेलने का भी मौका मिलता। उम्मीद है और मुझे अपनी बहन पे बहुत प्राउड है। जब हमने पहली बार आया गोल्ड मेडल, हम बहुत खुश हो गए कि हमें कोई है घर में जो गोल्ड मेडल लाने वाली है। और जब हमने देखा तो हम इस पे प्राउड हो गए, फिर इसको शौक चढ़ा तो पापा ने भी, हम घर वालों ने सबने सपोर्ट किया इसे। हाँ, अगर ये वहाँ जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी, हम इस पे प्राउड है और हमें भरोसा भी है आगे तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।